धीरज एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी पता है आज भाई अपना जो चंद्रयान है ना वो भाई पहुंचने वाला है सेफली, मतलब पहुंच ही जाएगा इतना तो भाई हम लोग को कॉन्फिडेंट है। ठीक है तो भाई अभी हम यहाँ पे हैं, ये एक्चुअल में मेरा दोस्त है तो वो साथ में हम पाली जा रहे हैं। तो पाली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो ये जो हड्डी होती है ना तो उसके आगे आ गई, तो इसीलिए उसको देखेंगे। और अभी हम में ना मतलब व्लॉगिंग का कोई मूड नहीं था, लेकिन भाई आज यार चंद्रयान का भी इतना मतलब स्पेशल दिन है, और तो यार इसीलिए मैं मतलब व्लॉगिंग किए बिना रहा नहीं और मैं चालू कर दिया। बस देख लो भाई हाईवे से अभी हम है ना 80 किलोमीटर बाइक भगा के आए हैं। तो अभी वो रही हमारी बाइक, वो देखो दोस्त अभी है ना चाय पी रहा है, चलो दोस्त से मिलाते हैं। और भाई चाय मेरे लिए, भाई चाय बंदे ने निकाल के रखी है। भाई मैंने ना सुबह उदय से पूछा कि भाई चंद्रयान आज पहुंचने वाला है, तो मेरे से बोल रहा है भाई कौन सा चंद्रयान क्या है, मतलब बंदे को कोई नॉलेज ही नहीं है कि मतलब आज क्या होने वाला है। रोहित और जोधपुर के बीच में एक ढाबा पड़ता है, भाई ने ना बहुत मस्त चाय बनाई, और अभी ये चलते हैं फिर। और उदेश भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बाइक चलाते हुए, भाई ये जो शीशे में मैं बहुत टाइट से पकड़ के रखा था मोबाइल, देखो शीशे में वरना उड़ भी आता भाई। और भाई ये बहुत बड़ा पावर हाउस है, आई थिंक आप लोगों ने देख रखा होगा। भाई टोल टैक्स आ चुका है और उदेश भाई को भाई कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, उदेश भाई का भाई सिस्टम चलता है यहाँ पे। आपके धीरू भाई तो निकल लिए भाई कैमरा सेट करके, अब आएगी अच्छी वाली रिकॉर्डिंग। ये देखो ना ट्रक भाई कितना मस्त सीन आता है, ये देखो। और ये हम निकलते हैं भाई, ये क्या नहीं देख पाए, रुको यार टेंशन मत लिया करो, मैं हूँ ना। आ गई। और उदेश भाई अपनी टंकी मतलब बाइक की टंकी में पानी पेट्रोल डलवाते हुए, क्या क्या बोल रहा हूँ आजकल, आ चुके हैं एक छोटे से गांव में। और भाई उदेश है ना बहुत सारे भाई हॉस्पिटल में दिखा चुका है, लेकिन भाई इस लोग कह रहे हैं मतलब नॉर्मल है डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन भाई इन बाबा जी ने ना हड्डी को यूँ दबा के अंदर कर दिया और आ करके अभी आवाज़ आई उदेश की, वैसे भाई रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आयुर्वेद सबसे बेस्ट, और क्या भाई कुछ भी कह लो भाई बाबा जी बहुत कमाल के थे। और भाई कुछ रीजंस की वजह से मैं गांव की प्रॉपर लोकेशन नहीं बता सकता। और भाई जाते समय हमको खूब सारे ऊँट मिले, ऊँट की टोली मिली जो कि भाई डायनासोर्स की तरह दिख रहे थे, वो इतने बड़े बड़े, वो तो भाई मैंने कैमरा ऊपर उठा रखा था तो छोटे लग रहे हैं, वरना भाई हमारे आँखों से भी बहुत भाई एक डायनासोर की तरह लग रहे थे। फिर पहुँच गए हम रसगुल्ले खाने अपने लूणी, भाई लूणी आओ तो भाई रसगुल्ले जरूर खाना, भाई बहुत ही टेस्टी होते हैं यहाँ के और फेमस भी हैं, तो हमने खाए रसगुल्ले। और भाई फर्स्ट टाइम पहली बार भाई इसके भाई फ्लाईओवर, ये जो ट्रेन का जो पुल है ना इसके नीचे से हम जा रहे हैं, और हमेशा भाई ऊपर से जाया करते हैं ट्रेन से, और पहली बार भाई ये फर्स्ट टाइम है मेरा जो इसके नीचे से मैं जा रहा हूँ। वाह यार दिखने में भाई कितना मस्त लगता है ना, यूँ स्विमिंग पूल जैसा आस पास है, और गजब भाई मज़ा आ रहा है। देश भाई की बाइक बजाज प्लैटिनो में भाई फुल स्पीड में इतनी ज़्यादा भाई पेट्रोल पी रही थी कि। तो भाई अभी है ना वो देखो उदेश वगैरह अभी पेट्रोल भरा रहे हैं, और है ना भाई अभी भाई अपडेट आई है अभी 6 बजे, तो अभी हमारा जो चंद्रयान 3 था वो सेफली भाई लैंड कर गया है, बहुत भाई खुशी हो रही है आज भी अपने भारत भाई चंद्रयान 2 से बहुत सारी भाई सीख लेके हमने ये उड़ाया था, लेकिन यही मज़ा आ गया यार। मन तो मेरा था टीवी पे देखने का, पर ये हाईवे पे देख रहा हूँ और ये गाड़ी चल रही है, बस मैं लाइव देख रहा हूँ, अब डायरेक्ट ना घर जाके मिलते हैं। ये भाई लूनी के फेमस रसगुल्ले, क्या बोलते छेने बोलते हैं ना, छेने हैं। और हमारा चंद्रयान भाई, मन तो था भाई इसमें भाई देखने का, लेकिन उदेश को यार वो उसको दिखाना था तो भाई जाना पड़ा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ठीक है यार अपन लैंड हो गए भाई। और भाई खुशी की इससे बढ़िया भाई बात और क्या हो सकती है, आज भी यहाँ से हो रहा है, मतलब बिल्कुल कि भाई चंद्रयान लॉन्च हो गया और मतलब सेफली मतलब लैंड भी हो गया, कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है गाइस इंडियन होने पे ना। तो भाई आज तो यार कोई
साल देश वहाँ उतरा नहीं है, वहाँ अपन उतर के भाई जय हिंद बोलो। सिर्फ दो दिन पहले, दो या तीन दिन पहले रशिया का लूना 25 लैंड हुआ था, वो भी क्रैश हो गया। अब बताओ वही नहीं क्रैश हो गया, जहाँ पर हम उतरे हैं वही उसी पोल पर रशिया का भी उतरा था, लेकिन वो भी उतर नहीं पाया, क्रैश लैंडिंग। मतलब वो जल्दी जल्दी गए और हो गए। अपन आराम आराम से जाओ, टाइम लगेगा लेकिन सफलता मिलेगी भाई। ये भाई लग गई थी मेरे, एक छोटा सा साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, तो पूरा यहाँ का भाई नाखून निकला हुआ है, और इसीलिए भाई थोड़ा उल्टे हाथ से मेरा व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो एंगल उगल थोड़ा मैनेज कर लेना आप। ये देखो दिवाली भाई, पटाखे वगैरह सब छोड़े जा रहे हैं यहाँ पे, क्या करे यार, मन तो मेरा भी बहुत था यार सब कुछ करने का, और 15 अगस्त को भी मन था यार कि पहाड़ी पे आके तिरंगा फहराने का, लेकिन इस उंगली ने ना पूरे हाथ को, मतलब एक, अब ये देखो एक ना रिमोट भी मैं उठाना चाहूँ ना तो बहुत मैं मुश्किल से उठा पाता हूँ। ये देखो और खाना तो मम्मी भाई खिलाती हैं मेरे को, थोड़ा बहुत मैं अपने हाथों से उठा पाता हूँ। सो देखते हैं भाई अन्नू क्या कर रही है। अन्नू चंद्रयान लॉन्च हो गया। I know. हाँ, आर्ट्स के स्टूडेंट को यार ज़्यादा क्या ही फर्क पड़ता है, हमारा भाई स्टोर रूम में अन्नू बैठ के भाई पढ़ाई करती है, अब देख लो यार स्टोर रूम ही है ये, पहले यार भाई का कंप्यूटर भी यही है। स्टोर रूम इस पूरे घर का सबसे इम्पोर्टेंट रूम है। यस भाई। अच्छा भाई अभी वैज्ञानिक भाई क्या कर रहे होंगे, मतलब अभी इसरो के वैज्ञानिक अभी क्या कर रहे होंगे? अभी प्रज्ञान को ऐसा वो रेस देने के लिए रेडी वो मतलब यूं बैठे हुए होंगे। नहीं अभी अभी है ना, मतलब वो मतलब जो रोवर है ना जो वहाँ लैंड है, अंदर से मतलब आवाज़ें आ रही होंगी, अगर वहाँ कोई एलियन भाई उधर खड़ा होगा तो वो मतलब चंद्रयान के बाहर, तो वो अंदर से आवाज़ें सुन रहा होगा। नहीं मतलब पृथ्वी से ना मतलब रेस दी आ रही है वहाँ पे। ये सब फर्जी बातें हैं, सिर्फ मजाक के लिए हो रहा है और कुछ नहीं, बाहर निकलने के लिए रेडी है। और वो जो प्रज्ञान है बहुत ही स्लोली अपना काम करेगा और हम लोग ऐसे बस मजाक कर रहे हैं। और मतलब जैसे ही मतलब गेट खुलेगा भाई इसरो के वैज्ञानिक खींच देंगे फुल रेस। स्पोर्ट रोवर है क्या? स्पोर्ट रोवर, स्पोर्ट कार, स्पोर्ट रोवर है क्या वो? वैसे भाई भाई बहुत इंच बाय इंच करके भाई वो आगे बढ़ेगा बहुत देर। तो गाइस अभी पता है क्या हो रहा है, मतलब अभी वो लैंड हुआ है जस्ट, तो उसके जो धूल वगैरह है ना भाई, धूल वगैरह है ना वो बैठने का, मतलब चांद पे खूब सारी धूल उठी है ना, जो वो बैठने का वहाँ वैज्ञानिक वेट कर रहे हैं, पूरी रेत मतलब बैठ जाएगी जब अपना फिर एक और बार धूल उड़ेगी भगाएंगे और गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। चांद की पूरी भाई सफाई अपन ही करने वाले हैं, वहाँ के मतलब जितने भी मतलब रोवर वगैरह है सबको उड़ा फेंकेंगे अपन। मेरे को वो अच्छा लग रहा है कि है ना उसमें वहाँ चांद में उतरेंगे ना तो उसका मार्क जो बनेगा ना कितना अच्छा होगा। एक है ना अशोक स्तंभ का मार्क बनेगा, मतलब मार्कर मार्क मतलब छपेगा उसमें, और एक इसरो का। तो यार बहुत ही प्राउड ऑफ यू मैं यार, अच्छा लगता है यार। गया था ना आपको पता होगा, तो भाई वो वहीं फुस हो गया यार, जल्दी गया तो मतलब हम जाएंगे। हमारे आस्था बहुत ज्यादा भाई, कितने सारे हवन किए गए हैं, हवन देख ले अन्नू कितने सारे किए गए हैं, और सब यार भगवान से प्रेयर रही है। चंदा मामा भी सो रहे होंगे, चल बेटा आजा यार तू आजा। चंदा मामा बोलते हैं ना, हैं तो मतलब हाँ भांजे को हाँ 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 यार बोल सकते हैं, मतलब भांजे को एंट्री दे दी, मतलब पृथ्वी हुई बहन, तो बहन के घर से आया है ना बंदा, बहन के घर से आया है ना चंदा मामा। हाँ। तो बहन के घर से कोई चीज आएगी तो यार चांद मामा है वो इनकार थोड़ा ना करेंगे, वो ले ही लेंगे। तो भाई बस आई होप कि आपको वीडियो यार अच्छी लगी होगी, क्योंकि ज्यादा नहीं बना सकता मैं, स्टोरेज नहीं है ज्यादा, और खा लो भाई, और चंदा मामा को बोलो चंदा मामा पास के पूरे पकाए
रोवर के। ओ अभी तो है ना मोदी जी कह रहे हैं कि है ना वहाँ पर एक टूरिस्ट भी बनेगा, क्या वहाँ पर है ना जा सकते हैं घूमने के लिए। हाँ। पहले गगनयान होगा, गगनयान से क्या होगा वहाँ पे मतलब इंसानों को भेजा जाएगा, फिर वो जो भी करेंगे। और मैं भी भाई जा सकता हूँ उसमें, मैं भी जा सकता हूँ उसमें एस्ट्रोनॉट पर भाई उसके लिए बहुत सारे पढ़ाई यार करनी पड़ेगी। वो इतनी भाई हम तो है ब्लॉगर, इतनी पढ़ाई करना ही है, वहाँ पे जाएंगे ब्लॉग। ए गाइस अगर भाई मैं जाने का भाई मेरे को मिला ना तो चांद पे आ गए गाइस, और पता नहीं कि कौन सा चांद है, यहाँ की मिट्टी भी कुछ अलग दिख रही है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, स्पेशल वीडियो थी चंद्रयान के ऊपर। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आई थैंक यू सो मच गाइस, और गर्व से बोलो हम इंडियन हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई साहब ये है हमारे चंदा मामा, आज भाई चांद भी खुश लग रहा है।